हेलो गाइस, मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में प्रियंका और अंकित के रिश्ते को लेकर तो हमेशा ही बातें बनाई जाती है। जैसे कि पहले उन पर एक पर्सनल कहीं ना कहीं बात कर दी थी सौंदर्या ने, जिसके बारे में सलमान सर ने जब प्रियंका को बताया तो प्रियंका बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। लेकिन अब वैसी ही पर्सनल बात अर्चना ने कर दी है प्रियंका के रिश्ते को लेकर, और कहा कि देखो प्रियंका की किसी के साथ भी शादी हो, मान लो अंकित के साथ ही हो गई तो क्या होगा, प्रियंका के साथ अंकित का कैसा रहना होगा, और अंकित अगर कभी कुछ बोलेंगे भी तो तब भी प्रियंका हमेशा मुरे से आकर उसे चुप करवा देगी और उसकी तो बात ही नहीं सुनेगी। तो जो अंकित है उसकी जो तो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। अगर अंकित के साथ भी ना हुआ, कोई और व्यक्ति के साथ उसका रिश्ता हो गया तो वो तो बेचारा मर ही जाएगा, क्योंकि प्रियंका हमेशा अपनी सुनती अपनी करती है, जिसकी वजह से जो इसका हस्बैंड है उसे तो सिर्फ इसकी सुननी होगी, बोल तो बेचारा सकेगा ही नहीं। और ये बात वो निमरत टीना और शैलिन के साथ शेयर करती है, लेकिन इसमें कोई भी उसकी बात पर कोई मुद्दा नहीं बनाता, कुछ भी उसे समझाता नहीं है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और शैलिन उनकी बातों में सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो निमरत है वहाँ पर चुप कर जाती है, वो कुछ भी ना प्रियंका के खिलाफ ना अर्चना के खिलाफ बोलती है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि इस बात को लेकर भी जो सलमान सर दोबारा से प्रियंका को बताएंगे कि आपके ऊपर फिर से पर्सनल अटैक हो रहे हैं, वो भी उनके खास फ्रेंड की वजह से, और जब प्रियंका को ये बात पता चलेगी तो प्रियंका और अर्चना के बीच में इस बात को लेकर कितनी फाइट होगी, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या दूर होगी, और अर्चना दोबारा से प्रियंका की दोस्त बनेगी या नहीं, ये बात का अभी कहना मुश्किल है। लेकिन आप क्या चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, और उनसे जुड़े हर अपडेट के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।